आज हम क्लास 12 के मंथली टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि सितंबर माह में जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर देते हैं। क्योंकि लंबे समय से हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम बहुत सारा वीडियो अपलोड नहीं कर सके। तो इस बार हम सितंबर मंथ में ये क्लास ट्वेल्थ के लिए सितंबर मंथ का जो मंथली टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास मिला नहीं, तो हम किसी बच्चों से फ़ोटो खिंचवा करके भिजवाए हैं, तो जिसमें से हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज डिस्कस करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन क्या क्या है हम देख लेते हैं। चूँकि सारा ऑप्शंस भी मेरे पास नहीं है, तो हम केवल क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में, यानी थोड़ा सा डिस्कशन के बारे में हम बात केवल करते चलेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये कह रहा था आर त्रिज्या, मतलब तो एक वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है आर है, और इसमें फेरों की जो संख्या है वो एन है, और इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है ये आई है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा ये बी नोट इक्वल टू ये म्यू नोट बाय 4 पाई, ये 2 पाई एन आई डिवाइडेड बाय आर, ये इतना होता है। तो ये टोटल फार्मूला है, जिसमें ऑप्शंस में इस तरीके का कुछ था नहीं। ये कह रहा आर त्रिज्या और एन फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तो ये बी समानुपाती होगा आई का, क्योंकि ये विद्युत धारा जितना अधिक होगा उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, और बी समानुपाती होगा 1/r का। तो ये ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती होता और ये 1/r के समानुपाती होता। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 टेस्ला यानी 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। तो 5 टेस्ला का मतलब है कि 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को एक्चुअल में हम लोग टेस्ला कहते हैं, या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को ही हम लोग वेबर कहते थे, याद होगा शायद आपको यूनिट एंड डायमेंशन में हमने बताया था। तो 5 टेस्ला का मतलब है 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन था ये कह रहा आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, ये आर एक त्रिज्या है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी वेग से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पे घूम रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बराबर, तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता क्या है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है किसी भी लूप का करंट और एरिया ऑफ द लूप का प्रोडक्ट होता है, आई इंटू ए, आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी। तो क्यू को हम लोग सकते हैं ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा ई भी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये m इक्वल टू आ जाएगा ये i इंटू a, तो i के बदले क्या आएगा e भी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और ये एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये e भी r बटे 2, तो e भी r बटे 2 जो है ये चुंबक के आघूर्ण हो जाएगा। ये कितने नंबर ऑप्शंस में हैं आप लोग अपने क्वेश्चन से मैच कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का जो बात है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं यदि उसके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं आर पी और आर अल्फा है। तो एक प्रोटॉन है और दूसरा अल्फा कण है, तो ये जो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है,
तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए ये है, तो इसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ये गतिशील है, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होने से क्या होगा, तो ये इसका त्रिज्या की अगर हम बात करें कि त्रिज्या कितनी होगी, तो आर इक्वल होता है ये एम वी बटे क्यू वी। आर इक्वल कितना होगा, एम वी बटे क्यू वी। तो प्रोटोन का जो पाथ है ये आर पी हो जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटोन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन और ये बी। अल्फा पार्टिकल की अगर बात करें तो अल्फा पार्टिकल, तो आर अल्फा इक्वल कितना, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्यू ऑफ अल्फा और बी। चूँकि बी समरूप चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों के लिए सेम था, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि आर पी और आर अल्फा का रेशियो क्या होगा। तो आर पी, तो ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन और ये रेडियस ऑफ अल्फा कण इक्वल टू होगा मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ पी बटे बी, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ अल्फा इंटू बी। तो बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो आर पी बटे आर अल्फा इक्वल टू ये एम पी वी पी बटे क्यू पी बटे ये एम अल्फा, ये वी अल्फा और ये क्यू अल्फा, ये इस तरीके से। चूँकि अल्फा पार्टिकल जो है वो है क्या, हीलियम आयन ही अल्फा पार्टिकल है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। चूँकि प्रोटॉन जो है हीलियम आयन में दो होगा, हीलियम आयन में दो प्रोटॉन होगा, तो दो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम देखें आर पी बटे आर अल्फा, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है ये फोर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन के मास का चार गुना होगा अल्फा पार्टिकल का मास। तो देखिए चूँकि प्रोटॉन का मास तो एक ही प्रोटॉन होगा, और हीलियम आयन में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कम से कम रहेगा, तो चार प्रोटॉन के लगभग। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन बटे इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना, तो टू इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा कितना, तो चार इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल का जो मास है प्रोटॉन के मास के चार गुना होगा, और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये बच जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो आर पी बटे आर अल्फा इज इक्वल टू टू, अच्छा देखो वेलोसिटी ऑफ पी बटे कितना हो जाएगा, टू इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा, टू इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा, ये कितना होगा। इसके लिए अगर हम रेशियो निकालना चाहें, यहाँ एक बात बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर होगा, हाफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ हाफ इंटू मास ऑफ अल्फा और वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर, तो हाफ साफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर बटे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। तो इसको अगर सही से हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा बटे वेलोसिटी ऑफ पी इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ अल्फा। इसी में अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बटे वेलोसिटी ऑफ अल्फा करें तो ऊपर चल जाएगा मास ऑफ अल्फा बटे क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से रेडियस ऑफ प्रोटॉन बटे रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू वन बाय टू, ये बचेगा वन बाय टू इंटू वेलोसिटी ऑफ पी बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा। तो वेलोसिटी ऑफ पी बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा इक्वल टू देखेंगे तो मास ऑफ अल्फा बटे मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है फोर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है, तो रेडियस ऑफ पी प्रोटॉन बटे रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वन बाय टू अंडर रूट फोर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर फोर है तो दो बटे दो ये कैंसिल हो के वन बचेगा, मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन
इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये इक्वल हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, ये क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं, आर इक्वल टू एम वी बटे क्यूबी के फार्मूला से बनता, लेकिन दो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए दोनों का रेशियो निकालना था, जिसकी वजह से इतना लंबा चौड़ा हमको इक्वेशन ड्राइव करना पड़ा। तो इसमें एक चीज़ दिया हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, जिसको इक्वेट करके हम वेलोसिटी का रेशियो निकाले, और उसी वेलोसिटी का रेशियो रखने पर यहाँ रेडियस का रेशियो आएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों का जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो इक्वल आया है। तो चलिए अब पाँचवीं नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। तो पाँचवीं नंबर के क्वेश्चन कह रहा है, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला है। तो देखिए ये एक सीधा चालक तार है, सीधे चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता था, तो ये b इक्वल टू लिखते थे हम लोग μ0 बाय 4 पाए ये 2i बटे r। तो ये b जो है 2 मिली टेस्ला दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर के दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना, 2 मिली टेस्ला। तो 2 मिली टेस्ला यहाँ लिखे देते हैं, μ0 बाय 4 पाई का वैल्यू 10^-7, 2i का मान तो निकालना ही है कि इस चालक तार में कितना विद्युत धारा जा रहा, और दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 0.1 मीटर। तो 2 मिली, मिली को 10^-3 लिख सकते हैं, और ये 10^-7 गुना 2i डिवाइडेड बाई 0.10। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 10^-3-7, तो ये इसको 10^-3 डिवाइडेड बाई ये 10^-7, ये i डिवाइडेड बाई 0.1। अगर इस तरीके का हो तो i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10^-4 गुना 0.1। अच्छा 10^-4 नहीं, +4 हो जाएगा, क्योंकि ये -7 है, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, +7-3 तो 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.1। तो आई इक्वल टू 10^3 एम्पियर, 10^3 एम्पियर का मतलब 1000 एम्पियर की ये बात कर रहा है, यानी 1000 एम्पियर का करंट जाएगा तब जा कर के इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में बात कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित चुंबकीय आघूर्ण एम वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। अनुभूत बल आघूर्ण का मतलब है उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता, तो बल आघूर्ण का फार्मूला टॉप वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी लिखते थे हम लोग, वहाँ चुंबकीय आघूर्ण जो हम कैपिटल एम मानते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में चुंबकीय आघूर्ण को स्मॉल एम से ही दिखाया, तो एम क्रॉस बी हो जाएगा, तो टॉ इक्वल टू एम क्रॉस बी, इसी को पूरा लिखेंगे तो ये एम बी साइन थीटा करके आता था, एम बी साइन थीटा। हालांकि हम जो डेरिवेशन बताए थे उसमें चुंबकीय आघूर्ण को हमने कैपिटल एम माना था, लेकिन इसमें चुंबकीय आघूर्ण को स्मॉल एम माना है, तो इसीलिए एम क्रॉस बी की जगह स्मॉल एम क्रॉस बी ही होगा, और स्केलर फॉर्म में एम बी साइन थीटा होता है। 7 नंबर के क्वेश्चन कह रहा, गैल्वेनोमीटर में संट का व्यवहार किया जाता, तो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर में जो संट का व्यवहार करते हैं इसका रेंज को बढ़ाने के लिए करते हैं, या ऐसे बोल दें कि इसको रेंज को बढ़ाने का मतलब है कि इसका करंट इसमें ज़्यादा मेजर करेगा। तो एक्चुअल में होता है क्या कि संट को पैरल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो उच्च धारा से टूटने से बचाने के लिए गैल्वेनोमीटर में संट का उपयोग करते हैं। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन था, उच्च धारा से टूटने से बचाने के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है, तो अभी देखेंगे एमीटर को भी अगर आप संट करेंगे तो इसका रेसिस्टेंस घटेगा, और रेसिस्टेंस घटने का मतलब है ये इसका रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, यानी इसकी जो माप सीमा है एमीटर का माप सीमा वो बढ़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन पर रहा, लेंज का नियम संबद्ध है, तो लेंज के नियम में जब कभी भी हम बताए थे तो उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखाए थे, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक्चुअल में होता क्या कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से वहाँ चुंबकीय विद्युत धारा उत्पन्न होती है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से विद्युत, तो वहाँ जो है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण
विद्युतीय ऊर्जा के रूप में होता, तो इसलिए हम लोग ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को इसमें मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वप्रेरकत्व, तो 10 नंबर में पूछ रहा है स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, तो इसमें ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है लेंज का नियम। और 10 नंबर में स्वप्रेरकत्व का मात्रक, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, क्या होता है हेनरी, ये आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़े हैं। धातु के बने गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी गति होती है, तो उसकी गति डैम्प्ड यानी अवमंदित हो जाएगा, क्योंकि होता क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक पदार्थ के गति की वजह से वहाँ एक धारा उत्पन्न होती है जिसको भंवर धारा कहते हैं, और उस भंवर धारा का एक काम है कि वो गति का अवरोध करता है, तो गति को रुकावट उत्पन्न करती है, तो एक समय ये रुक जाएगी। तो 12 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 12 नंबर पूछा कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या है या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है, तो स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है। यदि कुंडली से धारा 2 एम्पियर की प्रवाहित हो, तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो फाइ इक्वल टू होता एल आई, तो एल आई कितना, तो एल का मान 5 मिली हेनरी, तो 5 गुना 10 पावर माइनस 3 एरिया, ये आई कितना है, तो 2 तो 5 गुना 10, तो 10 गुना 10 पावर माइनस 3 तो ये 10 पावर माइनस 2 यानी 0.01 वेबर हो जाएगा, 0.01 वेबर। 14 नंबर क्वेश्चन में एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो चालक में एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, जैसे मान लो ये चालक है और ये एक चुंबक है, तो व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कंडक्टर फ्लक्स चेंजेज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, तो यहाँ चुंबक और इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो ये जो है चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति की वजह से होता है, इसी की वजह से विद्युत चुंबक का प्रेरण, विद्युत चुंबक का प्रेरण का घटना यही है। तो इसमें 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा, तो याद रखना किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी को यू से डिनोट करें तो ये हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये निश्चित रूप से यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब करंट के वर्ग का समानुपाती होता। इसमें पूछा प्रत्यावर्ती धारा के मूल वर्ग बाद मान इसके शिखर मान का अनुपात, तो आई आर एम एस इक्वल टू होता है ये आई नोट बटे रूट टू, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है आई नोट बाय रूट टू, तो आई आर एम एस बटे आई नोट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, मतलब वर्गमाध्य मूलमान और शिखर मान, वर्गमाध्य मूलमान और शिखर मान का जो अनुपात है ये 1/√2 होता है, ये कितना होता 1/√2 होता। 17 नंबर में, 17 नंबर पूछा आभासी धारा का मान क्या होगा, एक्चुअल में आई आर एम एस जो होता है इसी को वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या एपरेंट वैल्यू ऑफ करंट, इसी को आभासी मान कहते थे, तो आभासी मान आई आर एम एस इक्वल टू होता आई नोट बटे रूट टू, आई नोट बटे रूट टू, हायर विद्युत धारा का जो वर्गमाध्य मूलमान है ये 1/√2 टाइम्स ऑफ पिक वैल्यू ऑफ करंट होता है, तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट बटे रूट टू यानी आभासी मान आई नोट बाय रूट टू हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण अगर इतना है तो विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी, प्रतिवर्ती धारा का जो समीकरण है ये 0.6 साइन ये 100 पाई टी है, ये 100 पाई टी है, तो इसमें पूछा कि आवृत्ति कितनी होगी, तो इसका जो आई इक्वल टू एक इक्वेशन लिखाए थे हम लोग आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एच एस एम से इसको कंपेयर करें तो ओमेगा इक्वल टू ये 100 पाई होगा, तो 2 पाई न्यू इक्वल टू 100 पाई,
तो पाई से पाई कैंसिल, तो न्यू इक्वल टू ये 50 है जेड, यानी आवृत्ति जो है ये 50 हर्ट्ज के बराबर होगा। ये 19 में एलआर परिपथ की अगर प्रतिबाधा कहें तो एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा है ये अंडर रूट आर स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। ये प्रतिबाधा जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये अल्टरनेटिंग करंट का जो वीडियो है उसमें आपको पूरा मिल जाएगा प्लेलिस्ट में अगर आप लोग सर्च मारते हैं तो। तप्त तार आमीटर, तो तप्त तार आमीटर यानी हॉट वायर आमीटर जो है ये आई आर एम एस वैल्यू को मेजर करता है। इसमें यही पूछ रहा है कि तप्त तार आमीटर से कौन सा वैल्यू मापा जाता, तो यही आई आर एम एस वर्ग माध्य मूल्यमान मापा जाता है। इसमें पूछ रहा प्रत्यावर्ती, 21 नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर कितना होता है। तो याद होगा कलांतर टेन फाई इक्वल टू इसमें होता था ओमेगा एल माइनस वन बटे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय अनुनाद की स्थिति में, चूंकि ये जीरो हो जाता है तो टेन फाई इज इक्वल टू जीरो अपॉन आर, ये ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाता तो टेन फाई इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब फाई इक्वल टू जीरो यानी कलांतर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो चूँकि टेन फाई जीरो तभी होगा जबकि फाई जीरो होगा, फाई जीरो होगा तो टेन फाई का भी मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक कॉस फाई होता है और कॉस फाई इक्वल टू होता है आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इस तरीके से ये कॉस फाई एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक कॉस फाई बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो 22-23 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ये 22 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फेजर डायग्राम हम एलआर सर्किट में बताएंगे, उस फेजर डायग्राम में कॉस फाई का वैल्यू आप लोग निकालेंगे, कॉस फाई ही शक्ति गुणांक था। एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता, तो निश्चित रूप से प्रतिरोधक में ऊर्जा का क्षय होता, इंडक्टर और कैपेसिटर वो तो एनर्जी को स्टोर कर लेता है तो उसमें एनर्जी का जल्दी नुकसान होता नहीं है, तो लेकिन रेसिस्टर जो है रेसिस्टर में ये एनर्जी का क्षय होता। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें ये प्रतिरोधक हो जाएगा, प्रतिरोधक में ये एनर्जी का क्षय होता। तो 24 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि वाटहीन घटक क्या होगा, तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच कलांतर फाय है, तो याद होगा कि वाटहीन धारा का जो घटक है वाटलेस करंट का जो कंपोनेंट है ये आई साइन फाय होता है, कितना होता है आई साइन फाय। 25 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है और शिखर मान जो है वो 10 वोल्ट है यानी ई नोट का मान 10 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी जो है ये 50 है तो 2 पाई न्यू, न्यू का मान 50 और टाइम जो है ये 1/600 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो 600 सेकेंड 50 × 100 तो ये हो जाएगा 1/6 मतलब 10 साइन ये पाई बटे सिक्स का मतलब 30 डिग्री और साइन 30 1/2 होता तो ये 5 एम्पियर। यानी 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि टी इक्वल टू 1/600 सेकेंड पे तत्कालिक विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो कुछ नहीं टाइम का वैल्यू हम रख दिए तो 1/600 तो ये 5 एम्पियर का वैल्यू आने वाला है। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 26 नंबर क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सबसे अधिक आवृत्ति होता है वो जीएक्स यूवीआई एमआर करके एक ट्रिक बताए थे यूवीआई एमआर, तो सबसे अधिक जो आवृत्ति है वो गामा रे का होता है, उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्स किरणें क्या है, तो एक्स किरणें भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जी एक्स यू वी आई एम आर, जी फोर गामा, एक्स फोर एक्सरे, यू फोर अल्ट्रावायलेट, वी फोर विजिबल, आई फोर इन्फ्रारेड अब रक्त और एम फोर माइक्रोवेव और आर फोर रेडियोवेव, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, तो ये एक्सरे भी निश्चित रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग में आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, याद रखेंगे ये ई क्रॉस बी इक्वल टू ये के होता है, के इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तरंग संचरण की जो दिशा होती है ये ई क्रॉस बी होता है, तो कई बार जानबूझ के इसको उल्टा करके लिख देता है तो वो ऑप्शन नहीं मारेंगे हम लोग, हमेशा ई क्रॉस बी मारेंगे। एक्स किरणें का तरंग दैर्ध्य का क्रम होता, तो एक्स किरणें एक एंगस्ट्रम के आसपास का होता,
ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का एक छोटा सा चैप्टर बताए थे, वहाँ आप लोग देखेंगे कि किस तरंग का कितना तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होता है। 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग निर्भर नहीं करती है। याद रखेंगे इसमें जो है ये इंटेंसिटी यानी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, बाद बाकी परमिटिविटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो आज हम इतने ही छोड़ेंगे, अगले दिन हम 11th क्लास का भी क्लास टेस्ट का वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए धन्यवाद। बड़े दिन के बाद हमको टाइम मिला, चूँकि अभी फॉर्म भरने का समय चल रहा है, 11th का भी रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा था, 10th और 12th का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा था, इसलिए टाइम के अभाव में हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। चलिए धन्यवाद, अब आगे से पुनः वीडियो मिलता रहेगा लगातार। चलिए।